और अब बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां मौसम को प्रभावित करने वाले तीन सिस्टम एक साथ एक्टिव हो गए हैं। इसी वजह से मौसम विभाग ने प्रदेश के 4 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट और 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर बदला है। काले घने बादल एक बार फिर जमकर गरज बरस रहे हैं। प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है, जिसके बाद तमाम नदियां उफान पर हैं। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में नर्मदा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। आलम यह है कि करीब 10 फीट की ऊंचाई वाले मंदिर भी अब पानी में समा रहे हैं। नर्मदा तट पर बने घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन ने एहतियातन घाटों पर होमगार्ड के जवानों को तैनात कर दिया है। ये तस्वीरें चित्रकूट से आई हैं। देखिए कैसे यहाँ मंदाकिनी की धारा में तमाम घाट डूब गए हैं। दुकानों में भी पानी घुसने लगा है। जिला प्रशासन लगातार लोगों से दुकानें खोली कर सुरक्षित स्थान पर ले जाने की अपील कर रहा है। अब आप रायसेन जिले में बेतवा की बेताबी देखिए। देखिए कैसे नदी में अचानक आई बाढ़ से 7 लोगों की जान पर बनाई। ये सभी लोग पिकनिक मनाने नदी के बीच टापू पर गए थे। इन सभी को SDRF और स्थानीय पुलिस की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद बचाया। सिर्फ चित्रकूट और रायसेन नहीं, पूरे प्रदेश की नदियों का यही हाल है। जबलपुर में तो अमरकंटक नेशनल हाईवे पर बना पुल पानी में समा गया है, जिससे छत्तीसगढ़ पहुँचने का रास्ता ही बंद हो गया है। नदियों में उफान से तमाम बांध भी लबालब हो गए हैं। डैम के जलस्तर को कम करने के लिए मनका डैम के 5 गेट और तवा डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं। भोपाल के तीनों डैम कलिया, सोत, भदभदा और केरवा के गेट को खोला गया है। देखिये, वहीं सतना जिले में भी भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा तो कई इलाकों का शहर से संपर्क ही टूट गया। MP में लगातार हो रही बारिश से सतना में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिससे वहां के लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, नदी की धार में 4 लोग एक बीमार महिला को इलाज के लिए ले जा रहे हैं। 5 लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। लोगों के पास कोई चारा नहीं है। दूसरी तस्वीर भी सतना की है। 4 लोग मिलकर बहती नदी में बाइक पार कर रहे हैं। कारण है कि पानी सड़क से काफी ऊपर बह रहा है, उनके पास कोई और साधन नहीं है। एक और तस्वीर में बुजुर्ग महिला के साथ कुछ लोग नदी पार करते दिख रहे हैं। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से चित्रकूट में नदी किनारे बने घाट का एक हिस्सा बाढ़ के पानी में डूब चुका है। सती अनुसुईया राम घाट पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। पानी लोगों के दुकानों में घुस चुका है। नदी अपने रौद्र रूप में देखी जा सकती है। चित्रकूट की ये तस्वीरें भी परेशान करने वाली हैं। बाढ़ का पानी सड़क के ऊपर बह रहा है, पानी गांव तक पहुंच चुका है। कई गांव हैं जो इसकी जद में आ चुके हैं। कमोबेश ऐसे ही हालात सागर में भी नजर आए, जहां बारिश के बाद बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहां बीना नदी उफान पर है। जिसकी वजह से पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। ये पुल खुरई और सुर्खी को जोड़ता है, लेकिन अब इस पर पानी का कब्जा है। लोगों की परेशानी यही खत्म नहीं हुई। बीना नदी के किनारे बसे लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। वहीं विदिशा में बारिश के बाद एक कच्चा मकान धराशाही हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे देखते ही देखते पूरा घर जमींदोज हो गया और वहां हर तरफ धूल का गुबार छा गया। इसके साथ ही वहां के एक इलाके में बाढ़ का पानी पुल के ऊपर से बहता हुआ दिखा। इसी बीच बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने जिले के सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है।
निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ गया है। किस तरीके से यहाँ पर जल सैलाब को पार करने को मजबूर हैं लोग, वो आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, हर कोई इसी तरह से इस रास्ते को यहाँ पार करता दिखाई दे रहा है। मकान देखते देखते यहाँ पर जमींदोज हो गया। बारिश के बाद बाढ़ और बाढ़ के बाद बर्बादी की तस्वीरें मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों से देखने को मिल रही हैं। और अब बात कोटा की कर लेते हैं, जहां कल शाम से हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इतना ही नहीं, कई बस्तियों में पानी भर गया और शहर की कॉलोनीज की सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया। बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई और इसके साथ ही पानी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कोटा बैराज समेत राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर से पानी को निकाला जा रहा है। कोटा बैराज से 2,44,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया के साथ पानी ऊपर आता हुआ आधे या एक घंटे के अंदर अंदर। तो देखिए, कोटा शहर में कल शाम से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, कई अलग अलग बस्तियों में पानी भर गया है और शहर की कॉलोनियों की सड़कों पर भी पानी का कब्जा हो गया है और बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों की बिजली गुल है। कोटा की तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश का हाल हम आपको दिखा रहे थे और ये राजस्थान के कोटा की तस्वीर। सड़कें बिल्कुल नदियों में तब्दील हैं। पानी किस तेज गति से निकलता हुआ दिख रहा है सड़कों पर से, वो देखकर अंदाजा लगाइए और इसकी वजह से लोगों की मुश्किलें किस तरह से बढ़ गई हैं, क्योंकि तमाम निचले इलाकों में जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। इसकी वजह से बिजली गुल हो गई है, आम जो रोज़मर्रा के काम हैं वो लोगों के फंस गए हैं बारिश में और पानी की वजह से निकलना मुश्किल हो गया है और क्योंकि घरों के अंदर भी कई जगहों पर पानी आ गया है, इसलिए समस्याएं लगातार बढ़ी हुई हैं। आधे या एक घंटे के अंदर अंदर क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।